that the bill be taken to consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The motion for consideration of bill is adopted. The House will now take up class by class consideration of the bill. The question is that classes 2 to 48 to stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Classes 2 to 48 stand part of the bill. The question is that the schedule to stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The schedule stand part of the bill. Class 1 enacting formula on long title. The question is that class 1 enacting formula on long titles do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Class 1 enacting formula on long titles stand part of the bill. The minister may now move that the bill be passed. I move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Motion is adopted and the bill is passed. Now we are taking up discussion under 193, agrarian situation in the country. Sri Jyothir Aditya Sindhya. धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय. उपाध्यक्ष महोदय, आज के इस दिवस पर मैं 100 साल पूर्व जो चंपारण में एक सत्याग्रह का आंदोलन खड़ा किया गया था, जो किसान विरोधी नीति के वातावरण में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किसानों के हित में वो आंदोलन रची थी, जिसके आधार पर उस समय की मौजूदगी की सरकार के घुटनों को टेकना पड़ा था, आज वैसा ही एक माहौल पूरे देश में उत्पन्न हो चुका है. जब किसान अपनी मांगों को लेकर, अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार के समक्ष जाता है, तो केवल उसके आवाज को नहीं दबाया जाता, लेकिन उसकी छाती को गोलियों से छलनी की जाती है. ये वह देश है उपाध्यक्ष महोदय, जो 1960 में जब हम अनाज का आयात करना चाहते थे, अमेरिका द्वारा पीएल 480 इस देश में लगाई गई थी, हमें अपने सोने को गिरवी रखना पड़ा था. और आज इंदिरा गांधी कल स्ट्राइक के बारे में असली कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं. बड़े मेहनत और मशक्कत के आधार पर अपना उत्पादन वो बेच पाया मंडी में. यूको बैंक का चेक उसको मिला 10,800 रुपए का. चार बार वो बैंक के चक्कर काटते रहा और हर बार बैंक का मैनेजर ने घूम के उसको कहा कि 10 दिन बाद आओ, अब अभी मेरे पास नगद राशि नहीं है तुमको देने के लिए. और वही पूनम पाटीदार के परिवार में उपाध्यक्ष महोदय, उसकी मां की ऑपरेशन के लिए उसे राशि की जरूरत थी. वो चेक का नगद राशि उसे नहीं मिला. 50,000 रुपए का ऋण उसने लिया और जब आशा के किरण पूरी तरह से समाप्त हो चुकी, तब वह किसान के आंदोलन में सम्मिलित हुआ और अपनी मांगे रखने में उसकी छाती पर पुलिस के अफसर और सरकार के द्वारा गोली चलाई गई. जो दृश्य मैंने देखे हैं उपाध्यक्ष महोदय मंदसौर में, पीपलिया मंडी में, वो हृदय को झंझोड़ने वाले दृश्य. चाहे पूनम चंद की बात हो उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उस परिवार को क्या जवाब देगी. चाहे अभिषेक पाटीदार की बात हो, जो 19 वर्ष का बालक, क्या जवाब देंगे उसके परिवार को इस सरकार. चाहे कन्हैयालाल पाटीदार, जिसके घर में 18 साल की बच्ची
जिसका लग्न होना है, 11 साल का बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, चाहे मांगीलाल धनकर जो 30 वर्ष का एक दिहाड़ी मजदूर था, चाहे घनश्याम धाकड़ हो, और चाहे चैनराम पाटीदार हो, उपाध्यक्ष महोदय, जिसके 2 महीने पहले ही अक्षय तृतीय के दिवस पर उसका लग्न हुआ था, आज उसकी पत्नी विधवा के रूप में अपना जीवन यापन कर रही है। और एक ही क्षण में इन 6 के 6 परिवारों के चिराग को सरकार ने मिटा दिया। देखिए, आप पूर्व और इतिहास में जाओ तो मैं कहता हूं कि एक गलत काम गलत होता है, सही काम सही होता है। एक गलत काम होने से दूसरा गलत काम का इंसाफ नहीं होता, ये सुन लो आप। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं बेबाक इंसान हूं कि गलत काम होता है, सही काम होता है। आपको सरकार में इसलिए नहीं लाया गया था कि आप 6 किसानों की छलनी कर पाओ। उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में सरकार को जिम्मेदारी दी जाती है रखवाली, जीवन की रखवाली की, उन्नति की, प्रगति की, एक नए भविष्य की। इनके हाथ में ना लाठी, इनके हाथ में ना पत्थर, ना दंगा, लेकिन एक एक करके इनको लाइन में खड़ा करके इनको गोलियों से उड़ाया गया। जब सरकार जिसे रक्षा करना चाहिए वो जानलेवी और हत्यारा बन जाए, तब प्रजातंत्र हमारे और आपके देश में कहां बचा? उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 700 किसानों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया, और जो बुजुर्गों की बात करती है ये सरकार, कमलाबाई गांव की महिला 84 वर्ष की, मैं उसके घर में गया हूं उपाध्यक्ष महोदय, इतने बड़े बड़े आंसू के गोले एक एक कमरे के अंदर पुलिस के द्वारा डाले गए, बाल से उसको घसीटा गया बाहर, पैर से मर्द पुलिस ऑफिसर ने उसके चेहरे पे लात मारी, और उसके घर के एक एक व्यक्ति को और उसके पोते को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया उपाध्यक्ष महोदय। अब वो जो महिला अपनी आवाज उठा रही थी न्याय के लिए, सरकार का एक मंत्री, एक संतरी, आपको समय मिलेगा गणेश सिंह जी, आपको समय मिलेगा, मैं उसके घर में गया हूँ, आप नहीं गए, आप कृपा करके सुन लीजिए, व्यथा सुन लीजिए अपने अपने प्रदेश के परिजनों का, जब सुन लीजिए, आपकी बारी भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है मंदसौर में राकेश जी और गणेश जी। वास्तविकता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, कि जब वो गुहार लगा रही थी कि मुख्यमंत्री उनकी आवाज सुने, सरकार का एक मंत्री, तंत्री, संतरी, एक भी व्यक्ति उसके घर में नहीं गया जब वो अनशन पे बैठी थी, जब तक उसके बच्चे और पोते रिहा न हो। जो सरकार की जिम्मेदारी हो कि देश की रक्षा करे, जनों की रक्षा करे, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो प्रजातंत्र कहां बचे हमारे देश में? उपाध्याय महोदय, ये पूछना चाहता हूं। आप लोग रेयर कि आप कुशल जनसेवक हो, और आपकी प्रशंसा इस सदन के पटल में मैं करूंगा। जहां एक तरफ उपाध्यक्ष महोदय सरकार चला रही है किसान पर की छाती पर गोली, दूसरे तरफ चला रहे हैं मुख्यमंत्री उन किसानों के जान पर बोली, नीलामी लग गई उपाध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश। पहली घोषणा की गई 1 लाख रुपया की, फिर घोषणा की गई 5 लाख रुपया की, फिर घोषणा की गई 10 लाख रुपया की। सच कड़वा है उपाध्यक्ष महोदय, सच कड़वा है। फिर घोषणा की गई 1 करोड़ रुपए की, नीलामी लगाई गई उनकी बोली पर। और जो लोग कहते हैं कि किसानों की रक्षा करेंगे, जब स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब स्वयं
मैं निवेदन कर रहा हूं, आपकी बारी आएगी। मैं विनम्र पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, मैं विनम्र पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, आपकी बारी आएगी। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, कृपा करके बैठना। जब उपाध्यक्ष महोदय, जब स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको लोगों की जान की रक्षा करनी चाहिए, वे स्वयं उपवास में बैठ गए, ये कहां की नौटंकी। और जहां वे स्वयं उपवास पे बैठ गए उपाध्यक्ष महोदय, और जो पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, जो पार्टी हिंदुस्तानी सभ्यता की बात करती है, जो पार्टी हिंदू धर्म की बात करती है, वही आ रहा हूं। शोका कुल परिवार जब होता है उपाध्यक्ष महोदय, हमारा दायित्व तो होता है कि उनका हम लोग ढाढ़स बढ़ाएं, हम लोग शांत बना दें। लेकिन यहां ये दृश्य निकला कि मंत्रियों के द्वारा दूत भेजे गए, मंदसौर की पीपलिया मंडी के 6 परिवार लोगों को 450 किलोमीटर मंदसौर से भोपाल बुलाया गया, कहा गया कि अगर मंच पे जाके मुख्यमंत्री का उपवास नहीं तोड़वाओगे तो मुआवजा राशि नहीं मिलेगी। और उसके बाद खुलासा है न्यूज चैनल, उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय उसके बाद उपवास तोड़ा गया। और व्हाट इज दैट डिप्टी चेयरमैन, और ग्लास में से नारियल पानी तोड़ के उपवास तोड़ा गया। उन्होंने जो कुछ बताया, एक तरफ उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ एक तरफ उपाध्यक्ष महोदय, आनंद कुमार जी आपके वक्ता होंगे। No, whatever you are placing before the Honorable House, you have to authenticate them. Yes. You should not be. There is a video. There is a video which proves that. You should listen. There is a video which proves that. There is a video that proves that. He has to expunge that. There is a video that whatever he has said. Sir, I request the chair. I request the chair to go into the record. Go into the record. If it is not authenticated, it should be expunged. उपाध्यक्ष महोदय, जहां घर घर में जाकर किसानों को निकाल कर पीटा गया, किसानों की गोली लगाई गई, उसके बाद उपवास में मंच पर गांधी जी के चित्र के पीछे छुप गए। वह दल गांधी जी के चित्र के पीछे छुपी है, जिस दल के एक सांसद कहते हैं कि नाथूराम गोडसे जी देशभक्त हैं। वह दल गांधी जी के चित्र के पीछे बैठी है, जिस दल के हरियाणा के मंत्री कहते हैं कि अच्छा किया गांधी जी का चित्र ग्राम उद्योग के कैलेंडर से आपने उतार के नरेंद्र मोदी जी का चित्र लगाया, क्योंकि बिक्री में कमी आई है। वह दल के सदस्य कहते हैं, और महात्मा गांधी जी के राह पर कोई सदस्य कहते हैं, कोई सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी का सरकार चल रही है, वो कभी नहीं चला है, कि हमारे देश के मुद्रा, पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, जो कहते हैं, जिनके मंत्री ने कहा कि गांधी जी का चित्र भारत के मुद्रा से भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब से लगा है तब से डिवैल्यू करेंसी हुई। ये आश्चर्यचकित की बात है उपाध्यक्ष महोदय। मैं दाद देता हूं उन परिजनों को, जब मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, वो विधवा महिला घूम के बोली कि अगर 1 करोड़ रुपए मुझे दिया जा रहा है, मेरे पति की जान ली है, मैं 2 करोड़ रुपए दूंगी, क्या मेरे पति मुझे वापस दिलवाओगे। मैं दाद देता हूं उस पिता को, जिस पिता ने घूम कर कहा कि अगर आप 1 करोड़ रुपए मुझे दे रहे हो,
अनुमति प्रदान करने के लिए, मेरे पुत्र की जान लेने के लिए मैं 10 करोड़ रुपए आपको दूंगा, क्या मुझे अनुमति दोगे किसी के जान लेने के लिए? और मुख्यमंत्री निरुत्तर रहे। और जहां मैं मानता हूं कि किसान आत्महत्या कर रहा है, स्वयं गृह क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पिछले 30 दिनों में 65 किसानों ने आत्महत्या किया है, एक संतरी तंत्री मंत्री नहीं गया उनके घर में सांत्वना देने के लिए, स्वयं मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर में 11 लोगों ने आत्महत्या की सांत्वना देने के लिए कोई नहीं गया। और सबसे झिझोड़ली वाली कहानी उपाध्यक्ष महोदय सीहोर जिले के किसान सरदार बरेला का है। उसके पास बैल नहीं थे, उसने अपनी बेटी राधा 13 साल की और कुंती 9 साल की हल पर लगाकर खेत को जोतने के लिए लगा दिया। ये स्थिति करा दिया है इन्होंने देश की कृषि के क्षेत्र के। उपाध्यक्ष महोदय सच सुनने की आदत रखो। जहां एक तरफ उपाध्यक्ष महोदय प्रदेश सरकार को असंवेदनशील है, वहां दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी उतनी ही असंवेदनशील है। हमारे प्रधानमंत्री देश विदेश का दौरा करते हैं और हर अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी पर जल्द से जल्द ट्वीट निकल जाती है, लेकिन मंदसौर के गोली कांड पर एक भी ट्वीट नहीं निकली। मंदसौर के गोली कांड के बाद मैंने सोचा था कि कम से कम राष्ट्र के कृषि मंत्री मंदसौर जाएंगे पीड़ित परिवारों के बीच में, ना कृषि मंत्री वहां गए, समय नहीं था, व्यस्त हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी के साथ योग करने के लिए व्यस्त नहीं थे। आज वास्तविकता है उपाध्यक्ष महोदय, और ये जो निराशा का आग है उपाध्यक्ष महोदय, ये निराशा का आग केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, देश के कोने कोने तक ये निराशा का आग फैला हुआ है। कर्नाटक में भी, हर एक राज्य में। आप चिंता मत करो, मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये आशा आप मुझसे रख सकते हो, हर एक राज्य में। वास्तविकता है उपाध्यक्ष महोदय कि आज देश का किसान को आशा का किरण नहीं दिख रहा, और ये सरकार जो स्मार्ट सिटी की बात करती है, क्या है स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी वो योजना है जहां ऊंचे ऊंचे इमारत बनेंगे, इतने ऊंचे इमारत बनेंगे कि गर्दन को टेढ़ा करना पड़ता, लेकिन ये भी हम लोग याद रखें कि अगर उस इमारत की नींव मजबूत नहीं होगी तो वो इमारत ढह जाएगा। और भारत की इमारत की नींव अगर कोई है उपाध्यक्ष महोदय, तो वो भारत का किसान और अन्नदाता। अगर वो नींव मजबूत नहीं हुई, वो कमजोर हुआ, तो भारत कभी प्रगति और विकास के रास्ते पे नहीं चल पाएगा। आपके 50 साल भी निकल जाएंगे तो उसी 50 साल की बात करते रहोगे। बैठिए ना बाबा। 2014 में उपाध्यक्ष महोदय बहुत सारे घोषणाएं की थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब ये प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा था कि किसान की आय दुगनी की जाएगी। भाजपा के घोषणा पत्र में ये शामिल किया गया था कि हम सरकार में आएंगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्रियान्वयन करेंगे और लागत पर 50% मुनाफा डाल के समर्थन मूल्य हम बनाएंगे। लेकिन सरकार में आते ही यूटर्न, और अटर्नी जनरल को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में भेजा ये कहने के लिए कि ये बिल्कुल नामंजूर है और ये संभव ही नहीं हो सकता। सोच और विचारधारा में, नीति और नियत में इतनी जमीन आसमान का फर्क क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। आज हकीकत है अध्यक्षा महोदय,
कि किसान का गला घोटा जा रहा है, और अगर किसी का गला घोटना हो अध्यक्ष महोदय तो दो हाथों की जरूरत है। एक हाथ कि जो इनपुट की लागत है उन सभी चीजों पर महंगाई का वातावरण, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे बिजली हो, हर एक चीज हो, और दूसरा हाथ इस शिकंजे के साथ, दूसरा हाथ अध्यक्ष महोदय कि समर्थन मूल्य में कोई वृद्धि नहीं, और जब दोनों हाथ मिल जाए तब उसमें किसान पिस जाता है, जो वर्तमान का वातावरण। कहा था इन्होंने अब की बार किसानों की सरकार, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, 3 साल हो गए इनको अध्यक्ष महोदय, 3 साल में कृषि के विकास के दर में भारत में 1.7% वृद्धि हुई है केवल, और जब यूपीए की सरकार थी आखिरी 3 सालों में 3.6% की वृद्धि हुई थी, वो हमारा रिकॉर्ड था। जहां तक यस मिनिस्टर, मोदी सरकार आने के बाद पहले और दूसरे वर्ष 16 जो लास्ट ईयर था 16-17 आंकड़े चिल्लाकर बोल रहे हैं, 16-17 के आंकड़े की 4.9% की वृद्धि हुई, 4.9% की सोच। दूसरी जो इन्होंने सदन को और देश को गुमराह किया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले कहा कि हम लागत मूल्य का 50% मुनाफा देंगे, और अब हम दो गुना कह रहे हैं। समर्थन मूल्य की बात इन्होंने जोड़ दी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने समर्थन मूल्य नहीं बोला था, लागत मूल्य का 50% ज्यादा हम दो गुना देंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट है वो इन्हीं के समय से चल रहा है, उसी को हम दे रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी और उस सिफारिश को किसान नीति में इन्होंने नहीं माना, और कोर्ट में जो प्रक्रिया चल रही है उसी पर चल रहे हैं, लेकिन लागत मूल्य का 1.5 गुना हम 2 गुना के लिए प्रयास कर रहे हैं। समर्थन मूल्य इन्होंने अपने तरफ से जोड़ा, समर्थन मूल्य इनका शब्द है, ये सदन को देश को गुमराह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के भाषण को अपने शब्दों में देर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री जी को, और आप कंक्लूड भी करो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि अब कंक्लूड भी करना है। नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी शुरू किया है, अध्यक्ष महोदय समाप्त करने का मुद्दा ही नहीं उठता। अध्यक्ष महोदय जो मंत्री जी ने कहा है कि चलिए मैं आगे चलता हूँ, राकेश सिंह जी आपका कहना मैंने मान लिया, खाद और कीटनाशक के मामले में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय जीएसटी के बाद खाद का एक बोरी में 11% की वृद्धि हुई, डीएपी के एक बोरी में 40% की वृद्धि हुई, ट्रैक्टर और उपकरण में महंगाई आया है, बिजली की हम बात करते हैं तो बिजली ग्रामीण अंचल में अनाप शनाप बिल मिलते हैं हर राज्य में, और अगर वो किसान बिजली का बिल का भुगतान नहीं कर पाता तो उसको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता है। और जहां तक डीजल की बात करें अध्यक्ष महोदय, मैं तो भर चुका हूं, जब कांग्रेस सरकार यूपीए सरकार थी $125 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम था अंतर्राष्ट्रीय जगत में, ₹55 प्रति लीटर देश में दाम था, आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में $50 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम है, लेकिन डीजल का दाम ₹63 प्रति लीटर क्यों है? ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसा जो टैक्स का पैसा है ये किसके बोरी में जा रहा है? ये सूट बूट की सरकार नहीं तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूं उपाध्यक्ष अध्यक्ष महोदय कि श्रीलंका में डीजल का दाम ₹41 प्रति लीटर, पाकिस्तान में डीजल का दाम ₹52 प्रति लीटर, लेकिन मेरे भारत में डीजल का दाम ₹65 प्रति लीटर, ये कहां का न्याय है? अगर हम बात करें कि अगर आज क्या मांग है, हर अन्नदाता की सबसे मूलभूत मांग बस अपने उत्पादन का मिले जायज दाम, और आज तूर का क्या हाल है, एनडीए सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन जी ने कहा है 2017 में तूर का दाम होना चाहिए ₹6,000 प्रति क्विंटल, 2018 में
तूर का दाम होना चाहिए 7000 प्रति क्विंटल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तूर का दाम 5050 रुपए प्रति क्विंटल क्यों है? रिपोर्ट और क्रियान्वयन के बीच में इतना अंतर क्यों? सोयाबीन कांग्रेस यूपीए सरकार के समय में 5500 रुपए प्रति क्विंटल होता था, आज 2600 रुपए तक सिमट चुका है। आंध्र प्रदेश में मिर्ची 12000 रुपए प्रति क्विंटल होता था, आज 3000 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। अजवाइन की तो बात ही नहीं करें, 17500 रुपए प्रति क्विंटल होता था, आज 5500 रुपए प्रति क्विंटल। और टमाटर प्याज और आलू तो अब खेत में नहीं उगता, वो तो आप सड़क पे पाओगे, और सड़क में टमाटर प्याज और आलू के साथ आप दूध की नदियां भी पाओगे। ये हाल कर दिया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक में मेथी का समर्थन मूल्य जो 4000 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल होता था, आज केवल 2500 तक सीमित। अंगूर जो 50 रुपए प्रति किलो होता था, आज 15 रुपए प्रति किलो। हरियाणा में 1 किलो आलू 1 रुपए के दाम पे बिक रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो लागत है 12 रुपए प्रति किलो का। अध्यक्षा महोदय मुझे बोलने दीजिए, ये किसानों का मामला है। अध्यक्षा महोदय, अध्यक्षा महोदय, बाकी सबको भी बोलना। जहां गुजरात की बात करें, मूंगफली का दाम 20 किलो का 844 रुपए होता था, आज 550 तक सीमित हो चुका है। और कपास का दाम 9% गिर चुका है मार्च के महीने से, कपास के किसान भी मुश्किल में। जहां तक प्याज की हम बात करें, 850 रुपए प्रति क्विंटल होता था, आज 450 तक सीमित हो चुका है। 60% किसान को एमएसपी आज नहीं मिलता, और 40% को एमएसपी के नीचे भी अपना दाम बेचना पड़ता है। किसान के नसीब में है कर्जा, और दूसरे तरफ बिचौलियों के नसीब में है चांदी। ये स्थिति पूरे देश में हो चुकी है। अध्यक्षा महोदय, यूपीए के समय में धान 590 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1400 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका था, प्रति वर्ष 13% वृद्धि थी। गेहूं के दाम में समर्थन मूल्य में 14% प्रति वर्ष वृद्धि थी, अरहर के दाम में 22% प्रति वर्ष वृद्धि होती थी। और अगर मुनाफा की हम बात करें, 2011 में धान की लागत 670 रुपए प्रति क्विंटल होती थी, और समर्थन मूल्य 950 होता था, मतलब किसान को 42% का मुनाफा मिलता था। आज वही मुनाफा केवल 6.5% तक सीमित हो चुका है। बोनस की प्रक्रिया अध्यक्षा महोदय समाप्त की गई। किसान अगर उत्पादन ज्यादा करे तो उसके पीठ तो थपथपाने के बजाय उस पर पेनल्टी सरकार ने लगा दी। अगर आप मंडियों में जाओ तो भ्रष्टाचार और अनियमितताएं आप पाओगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद मैं दोबारा कभी भी देश की जनता को लाइन में नहीं लगाऊंगा। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि मंडियों में 10-10 किलोमीटर की लाइन प्याज को बेचने के लिए क्यों लगी? नहीं नहीं अध्यक्षा महोदय, मुझे बहुत कुछ कहना है किसान के मुद्दे में। अध्यक्षा महोदय, बहुत इंटरप्शन भी हुई थी आपके आने के पहले। मैं पूछना चाहता हूं कि आज किसान वर्षा के ऋतु में अपना बोई करे। अध्यक्षा महोदय, मैं किसान के मुद्दे में, मुझे बोलने दीजिए, 20 मिनट हुए अध्यक्षा महोदय, बहुत इंटरप्शन भी हुए। अध्यक्षा महोदय, दो सूखे के बाद अगर प्राकृतिक आपदा के बाद ये मैन मेड डिजास्टर नोटबंदी के आधार पर, ये डिजिटल इंडिया के आधार पर ये लेके आए हैं, बीमा राशि की योजना पूरी तरह से समाप्त। मैडम, आई विल टेक 6 मिनट्स, आई विल नीड 6 मिनट्स, आई एम इनिशिएटिंग, आई विल टेक 6 मिनट्स, प्लीज गिव मी 6 मिनट्स, आई नीड माय पॉइंट, आई नीड किसान की व्यथा मैं सुनाना चाहता हूँ। बीमा राशि की योजना थी अध्यक्षा महोदय, प्रधानमंत्री जी मेरे राज्य में आए थे, दो किसान के फसल चौपट की गई थी उनकी सभा के लिए, बड़े शोर शराबा से घोषणा हुई थी। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि एक वर्ष में सारे निजी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया बीमा राशि योजना के? 9081 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए और केवल 2725 करोड़ की क्लेम आए हैं, तो बाकी 6000 करोड़ निजी कंपनियों के खाते में क्यों गए, इसका जवाब देना हो। और दूसरा मुद्दा प्रश्न मेरा, 2725 करोड़ के क्लेम आए लेकिन केवल 640 करोड़ रुपए का पेमेंट आज तक हुआ है, बाकी पेमेंट कब तक होगा, ये पूछना चाहता हूं अध्यक्षा महोदय। सरकार की असंवेदनशीलता अध्यक्षा महोदय,
मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि ऋण माफी का कोई मुद्दा नहीं, केंद्र सरकार यहां कहती है कि हम ऋण माफ नहीं करेंगे। कर्नाटक की सरकार ने 22 करोड़ किसानों का ऋण माफ किया है, पंजाब की सरकार ने 10 करोड़ किसानों का ऋण माफ किया है, यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए की ऋण माफ की योजना लेके आई थी। आज ये सरकार कहती है कि हम ऋण माफ नहीं करेंगे। चुनाव के समय में इनका नारा था, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा। और आज चुनाव के बाद अध्यक्षा महोदय एक नया नारा निकला, भाजपा अपने बल पर जीते जात, अब काहे का कर्जा माफ। अध्यक्षा महोदय, अगर ऋण माफी की गुहार नहीं है तो देश में 12,000 किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आपके और मेरे मध्य प्रदेश में 13 साल में 21,000 किसानों ने आत्महत्या क्यों की? मंदसौर के कारण के बाद 60 किसानों ने आत्महत्या क्यों की? और 5,32,000 करोड़ का ऋण आज किसानों का क्यों है? आज जंतर मंतर में तमिलनाडु के में किसान भाई आए हैं अपने मृत शव लेकर, अपने भाइयों के 40 वहां अनाथ आपणचारी माजा राज्य महाराष्ट्र च अनाथ मुलगा तिथे बसून राहिलेत, 40 मुलगे तिथे बसून राहिलेत, ते सगळे अनाथ झाले। अध्यक्ष महोदय, त्यांची आई गेली, त्यांचे बाबा गेले आणि हे सरकार नतमस्तक होऊन बसून राहिले तिथे। मी ह्यांना मांग यांच्या जवळ मी करतो, माझे 5 मांग आहेत त्यांच्या जवळ। पहले मंदसौर गोलीकांड में जो भी आरोपी है उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ऋण माफी की योजना राष्ट्र भर में लागू होनी चाहिए और समर्थन मूल स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर, आपके घोषणा पत्र के आधार पर लागू होना चाहिए। मुझे तो आश्चर्य है अध्यक्षा महोदय कि कहा जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा कि देश में सब कुछ ठीक है, देश में सब कुछ ठीक है, गौरक्षा के आधार पर लोगों का नरसिंहार हो रहा है, दूसरे तरफ पर भीड़ के आधार पर मासूमों पर कत्ल हो रहा है। जुनेद हम सबका भाई और हम सबका लड़का है, जिसका कत्ल बेरहमी से ट्रेन से किया गया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में अशांति का माहौल, दार्जिलिंग में अशांति का माहौल, चीन और पाक के साथ तनाव का वातावरण, महिलाओं के साथ अत्याचार, किसानों के साथ आत्महत्या, और दूसरे तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से घटोरा जा रहा है और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। तो इधर उधर का बात न कर, ये बता कि काफला क्यों लूटा? मुझे रह जनों का गिला नहीं, तेरी रह बरी का सवाल है, ये उत्तर आपको देना होगा। जिसके दम पर ये लोग सरकार पर आए थे उन्हीं का दमन ये कर रहे हैं अध्यक्षा महोदय। और जहां तक किसानों का मुद्दा है, उनके आत्म सम्मान के लिए, उनकी आत्म सुरक्षा के लिए, उनके अस्तित्व की लड़ाई हम अंत तक लड़ेंगे, क्योंकि अगर जिंदा है तो फिर डिमांड असूलों पे आंच आए अध्यक्षा महोदय तो टकराना जरूरी है, असूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। असूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर चमन का जिद है बिजलियां गिराने की, अगर चमन का जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियान बनाने की। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। और युवाओं को ऐसे लगना चाहिए, वीरेंद्र